जिनकी बातचीत हो जा रही है उनसे डीलिंग वीलिंग कर रहा है, साइड से माल खा रहा है, उनको माफ कर दे रहा है, जो गरीब आदमी उसको उजाड़ दे रहा है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई जाति समुदाय को ऊपर कार्य नहीं कर रहा हूँ। आपने गरीबी तो हटाई नहीं, आप सड़क से गरीब जो अपने दो वक्त की रोजी रोटी कमा रहा है उसको हटा रहे हो। अगर इसको आप अतिक्रमण हटाना कह रहे हो तो आपको बधाई हो। जो आलोचना कर रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं उनको मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं कि राजधर्म क्या होता है। अगर यादव पुरुष बन रहे हो तो चुनाव से एक पहले हटा देते, एक महीने पहले। कि अतिक्रमणकारी कांग्रेस और कांग्रेस के चहेते निकल रहे तो इसमें मेरा क्या दोष है। नमस्कार, मैं हूँ योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। एक ओर जहां नगर निगम कई वर्षों पुराने अतिक्रमण पर लगातार कार्यवाही कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के मेयर और विधायक का भी वार पलटवार और जुवानी जंग तेज हो उठी है। अब इस मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिए। मेयर का कहना है कि मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं और शहर की फिजा बदलने और शहर को सुनियोजित विकास की तरफ ले जाने के लिए इस तरह की कार्यवाहियां चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, अब उत्तराखंड सरकार और नगर निगम का साफ तौर पर मकसद है कि शहर में अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर अतिक्रमणकारी कांग्रेस के चहेते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है। देखिए, जब तक मैं पद पर हूँ तो पद के दायित्वों का निर्वहन मुझे करना है और जो आलोचना कर रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं उनको मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं कि राजधर्म क्या होता है। मैं अपने राजधर्म का पालन कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति विशेष या कोई जाति समुदाय के ऊपर कार्य नहीं कर रहा हूँ, ये अलग बात है। व्यंगात्मक रूप से कह रहा हूँ कि अतिक्रमणकारी कांग्रेस और कांग्रेस के चहेते निकल रहे तो इसमें मेरा क्या दोष है। कुछ नेतागण ये कह रहे कि नगर निगम की जमीन है, मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नगर निगम की कोई जमीन नहीं होती। हर जमीन का मालिकाना हक उत्तराखंड सरकार का होता है, उस प्रदेश की सरकार का होता है, प्रबंधन नगर निगम का या नगर पालिकाओं का होता है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि नगर निगम चिन्हीकरण के नाम पर अमीर लोगों से मोटा पैसा खा रहा है और गरीब लोगों की रोजी रोटी उजाड़ रहा है। विधायक ने कहा कि एक तरफ नगर निगम तय बाजारी वसूल कर रहा है और दूसरी ओर उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चला रहा है। उन्होंने मेयर पर निशाना साधते हुए यहां तक कह डाला कि आप अगर आदर्श और मर्यादा पुरुष हैं तो क्यों नहीं चुनाव से पहले अतिक्रमण हटाया। ये जो नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई हो रही, देखिए मैं अतिक्रमण का खुद विरोधी हूँ, लेकिन नगर निगम पहले चिन्हीकरण कर रहा है, फिर चुपचाप कुछ लोगों से जिनको जिनकी बातचीत हो जा रही है उनसे डीलिंग वीलिंग कर रहा है, साइड से माल खा रहा है, उनको माफ़ कर दे रहा है, जो गरीब आदमी उसको उजाड़ दे रहा है। तो इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में कहीं न्याय संगत कार्रवाई हो तो हम सब साथ खड़े हैं, लेकिन जब साफ प्रतीत हो रहा है कि माल पानी का उपयोग चालू हो गया है और जो मालदार है वो माल पहुंचा के अपने को बचा ले रहे हैं और जो गरीब ठेले वाले, देखिए आपने गरीबी तो हटाई नहीं, आप सड़क से गरीब जो अपने दो वक्त की रोजी रोटी कमा रहा है उसको हटा रहे हो। अगर इसको आप अतिक्रमण हटाना कह रहे हो तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपने गरीब को मार डाला है। नगर निगम खुद तयबाजारी शुल्क इन लोगों से वसूल रही है, इतने वर्षों से वो मेयर रहे हैं, क्यों वसूला भैया तुमने तयबाजारी शुल्क? और अगर इतने ही बड़े आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुष बन रहे हो तो चुनाव से एक पहले हटा देते, एक महीने पहले, अगर दमखम था तुम में। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।